तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सत्या टेक जोन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि काइन मास्टर में दोस्तों आप वीडियो को आप एडिट करते हैं तो उसमें आप वॉइस को कैसे एडिट कर सकते हैं। आप अपनी आवाज़ को आप पूरा ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर सकते हैं, या उसको दोगुना करना चाहते हैं तो अपने आप वॉइस को आवाज़ को आप दोगुना कर सकते हैं या आप जीरो कर सकते हैं। ठीक, आपको कैसे आपको आवाज़ को चेंज भी करना है पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा और वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, काइन मास्टर को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से साइज सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी साइज़ का आपका वीडियो है वो आपको साइज सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों जैसे ही आप साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके सामने आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मीडिया है इस पर क्लिक करके दोस्तों आप अपना वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी वीडियो का आप साउंड को एडिट करना चाहते हैं। ठीक, तो आपको उस वीडियो को आपको क्लिक करने लेना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों जैसे ही उस वीडियो को आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, इस जो लाइन जाता है इस वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक, इस वीडियो पर, ठीक, यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साउंड का आइकन आपको दिख रहा होगा क्रॉप के बगल में, इस साउंड के आइकन पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे साउंड पे देखिए 100% है तो आपको इसको जीरो करना है, तो यहाँ पे 0% करना है, आपको म्यूट करना है आवाज़, तो सबसे नीचे आपको कर देना है 0% पे। अगर आप चाहते तो इसे दुगुना भी कर सकते हैं, यानी कि आवाज़ को आप दुगुना भी बढ़ा सकते हैं, या नॉर्मल पे आप 100 पे रख सकते हैं। ठीक, यहाँ से आप साउंड यहाँ पे हट जाएगा। ठीक, साउंड हट गया होगा। ठीक, यहाँ से आप 0 भी कर सकते हैं साउंड हटाना हो तो, नॉर्मल करना है तो 100 पर कर देना, अगर दोगुना करना आवाज़ को बढ़ाना है तो आपको 200 यानी कि दोगुना कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों आप बच्चा वाला और यहाँ से बूढ़ा वाला आवाज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अपना आवाज़ को बच्चा में या बूढ़ा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस 6 माइनस 6 तक है। ठीक, जो आप माइनस 6 तक जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बूढ़ा वाला और बच्चा में जाते हैं तो यहाँ पे प्लस दिखाई देता है। इस तरह से आप अपना एडिट कर सकते हैं। उसका दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑडियो फिल्टर, इसमें आप फिल्टर भी कर सकते हैं, आवाज़ चेंज कर सकते हैं। जिस भी आवाज़ में आपको वीडियो को एडिट करना है वहाँ से आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में कौन कौन सा, आपके काइन मास्टर में कौन कौन सा जो फिल्टर दिया हुआ है। ठीक, आपको जो भी वर्जन होगा उसमें सब में सब जैसा देता है। ठीक, आपने इससे ज़्यादा भी हो सकता है तो आप अपना जो भी काइन मास्टर है उसमें आप ऑडियो फिल्टर में जा करके आप देख सकते हैं, और जो भी फिल्टर का यूज करना हो वो आप कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से अपना आवाज़ को एडिट कर सकते हैं। और इसमें कैसे इको आवाज़ लगाते हैं वो वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पे बना हुआ, जाकर के आप देख सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।